सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज के पिछले एपिसोड में टाइम पेट्रोलर गोकू और वेजिटा हेल में पहुंचते हैं, जहां किसी ने उन्हें बुलाया था। एक मिस्टीरियस मैन गोकू और वेजिटा को बताता है कि उसने ही टाइम पेट्रोलर्स को बुलाया है, लेकिन वह मिस्टीरियस मैन खुद के बारे में नहीं बताता है और टाइम पेट्रोलर से लड़ने लगता है। वह मिस्टीरियस मैन दोनों योद्धाओं के हमले को एनालिसिस कर रहा था। गोकू उस मिस्टीरियस मैन से उसका इरादा पूछता है, लेकिन वह मिस्टीरियस मैन कुछ नहीं बोलता है और उन दोनों पर अटैक करता है। इससे गोकू और वेजिटा ये लड़ाई खत्म करने के इरादे से दोनों अपना पावर बढ़ा लेते हैं। दोनों योद्धा सुपर सैयन 4 में बदल जाते हैं। लगता था वह मिस्टीरियस मैन दोनों योद्धाओं के सुपर सैयन 4 के फॉर्म का ही इंतजार कर रहा था। गोकू और वेजिटा दोनों अपने खास हमले उस मिस्टीरियस मैन पर करते हैं, जिससे वह मिस्टीरियस मैन इस हमले को जानबूझकर अपने ऊपर ले लेता है। वह कहता है एनालिसिस पूरा हुआ और टेलीपोर्ट होकर वह मिस्टीरियस मैन वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ फ्यू डोगी डोगी से एक हमला करवाता है, जिससे सारे योद्धा फ्रीज हो जाते हैं। फ्यू टोकी टोकी को वहां से उसे दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर देता है और उसके सारे आदमी भी वहां से वापस टेलीपोर्ट होकर भाग जाते हैं। न जाने टोकी टोकी को फ्यू क्यों ले गया। दूसरी तरफ वह मिस्टीरियस मैन भागकर किसी दूसरी जगह पर पहुंचता है, जहां वह किसी को अपने सारे लड़ाई के डेटा को देने की बात करता है, जिसका नाम जानेम्बा था।